हिंदू युवा वाहिनी की जिला इकाई ने मुरादाबाद जनपद के थाना छजलैट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छज्जूपुरा में संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि ग्राम छज्जूपुरा में क्षेत्रीय ग्रामीणों की सहमति के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा के अनावरण के लिए हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। आरोप लगाया गया कि एसडीएम कांठ द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित कुमार व अन्य सदस्यों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण समाज एवं पार्टी पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। मांग उठाई गई कि पार्टी नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए, ताकि निर्दोष व्यक्ति दंडित होने से बचे। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जिला प्रभारी अंकित शर्मा ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज हिंदू युवा वाहिनी ने एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब की जयंती पर ग्राम छज्जूपुरा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित जी के द्वारा एक बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम प्रधान की सहमति से और समस्त ग्रामवासियों की सहमति से, क्षेत्रवासियों की सहमति से प्रशासन की देखरेख में उस मूर्ति की स्थापना की गई। और आज उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारे जिला उपाध्यक्ष मोहित सिंह पे कांट एसडीएम के द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। और मैं कांट एसडीएम को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब पर्टिकुलर किसी एक समाज के नहीं है, वो सब हम सबके आदर्श हैं, वो संविधान के रचयिता हैं, उनका सम्मान हर धर्म हर जाति का व्यक्ति करता है। और वहाँ पे उस गांव में किसी ने भी कोई भी प्रार्थना पत्र उनके खिलाफ एसडीएम साहब को नहीं दिया था। ये मुकदमा प्रशासन ने अपनी मर्जी से जिला उपाध्यक्ष मोहित सिंह जी पे लिखा गया है, तो आज इसके विरोध में हिंदू युवा वाहिनी ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और ये मुकदमा अगर कैंसिल नहीं होता, इसको बर्खास्त नहीं किया जाता है कांट एसडीएम को, तो हिंदू युवा वाहिनी इस मामले को योगी दरबार में पहुंचाएगी और आगे उग्र आंदोलन भी करेगी। ये मोहित जी पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके ऊपर क्या आरोप है प्रशासन का? इनके ऊपर ये आरोप है कि वो जो जमीन है वो ग्राम समाज की है, और बोले उस पर अवैध तरीके से उस मूर्ति की स्थापना की गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो जो मूर्ति की स्थापना की गई है गाँव के जो प्रधान है उनकी देखरेख में की गई है, और समस्त एसडीएम साहब वहां पर मौजूद थे और सीओ कांड वहां मौजूद थे, इंस्पेक्टर छजलेट वहां मौजूद थे, जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं और वो फोटो हैं। कोई अनुमति ली थी आपने? अनुमति के लिए लेटर दिया था और वो इन्होंने रिसीव किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी मनमर्जी चलाकर, क्योंकि कुछ अधिकारी आज भी अंग्रेजों की मानसिकता रखते हैं जो कि हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी महाराज जी की सरकार बनी है, हिंदू समाज एक हो चुका है, तो ये कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के अंदर हर जाति का आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो जाटा हो या फिर ठाकुर हो या फिर ब्राह्मण हो या बनिया हो या कायस्थ हो। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है, जो ये मुकदमा लिखा गया है इसको कैंसिल किया जाए। इस मौके पर जिला संयोजक इंजीनियर रविन्द्र सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।